नमस्कार। इस वक्त हम सीतापुर जनपद के महमूदाबाद तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राहक सेवा इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर ग्राहकों की समस्या काफ़ी ऐसी है कि जो लोग ग्राहकों का आरोप है कि यहां पर जो है शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक के और ग्राहक सेवा केंद्र के संस्थापक की मिली भगत से लोगों का पैसा जो अकाउंट में जमा किया गया है वो पूर्णतः जो है भ्रष्टाचार क्या करते हुए पूर्णतः पैसा जो है संचालक द्वारा निकाल लिया गया है। अभी हम इस मामले में को लेकर यहाँ मौजूद कुछ लोगों से अभी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अब्दू। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? कलवापुर से। अच्छा, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर जो आप आई हैं? यहाँ समस्या, हम पैसा जमा करने आए थे, पैसा यहाँ से जमा होगा, जब हम पैसा निकालने आए तो यहाँ पर पैसा नहीं है, तो जब हम पैसा अपन यहाँ देखने गए तो कहीं कॉपी प्रिंट कराओ, जब कॉपी प्रिंट करें तो हमारा मतलब रुपया हमारा जमा रहा है 70,000 रुपया रहा है जमा, तो 70,000 में 50,000 मतलब 20,000-25,000 चढ़ा है और 50,000 रुपया नहीं है, तो वहाँ कहते कहीं कॉपी प्रिंट कराओ, तो कॉपी तो मैनेजर कहने लगा उतना नहीं। यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र पर आपसे क्या बोला गया? वहाँ तो है तो यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ कहीं कहीं यहाँ तो यहाँ लफड़े वगैरह है, तो मतलब कहीं वहाँ बैंक जो बड़ी वाली बैंक तो वहाँ जब हम गए तब हम जब कॉपी प्रिंट करा लेकिन तो काफ़ी फटी थी। ये काफ़ी आपकी कैसे फटी? वो सर जी ने फाड़ दिया। कौन सर जी ने फाड़ दिया? ये हमें मालूम है, बड़े सर जी। मतलब यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र पर के बैंक में? नहीं, बैंक में, वहाँ बैंक। अच्छा, बैंक बड़े मैनेजर बैंक। वो हमसे बोलने लगे कि पैसा मतलब आया है यहाँ से नहीं, किसी के खाता पे ट्रांसफर किया हमके, हम नहीं किया है, तो हमारे खाता में हमके पति हमारे यहाँ बाहर रहते हैं, कोई मतलब भेज ही ना, हमका उनका नाम नहीं पता, हमसे नाम कभी बताते नहीं थे कि मतलब हम इस नाम के पैसा भेज रहे हैं, तो हम कभी पूछ भी नहीं, तो जब बैंक मतलब पैसा किया तो हमके हमने नहीं किया है, तो हमारा जब कहें कि पैसा जब वहाँ देखने लगे मतलब उनका नाम। कितना पैसा उन्होंने भेजा था जो आपका जो है उस पर नहीं कर रहा? 50,000। और इससे पहले भी कोई पैसा था ऐसा? पैसा था हमारे पास 20,000 रुपया। अच्छा, आपके खाते 20,000 रुपया पहले से? हाँ। था और इस समय 50,000 रुपया उन्होंने भेजा? नहीं, इस समय 25,000 भेजे। 25,000 उन्होंने भेजा। कहाँ रहते हैं आपके पति? और जो 50,000 हम खुद यहाँ डालने आए थे। अच्छा, आप खुद जमा किए? खुद अपनी माँ से यहाँ जमा किए। तो जमा करने के बाद वो आपके पासबुक में नहीं चढ़ाया? पासबुक में मतलब पिन से चढ़ा दिए और मतलब फिंगर लगा लिए और चढ़ा दिए, पैसा तुम्हारा चढ़ गया। और जब आप बैंक में पासबुक प्रिंट कराने गए तो क्या आपको वहाँ पैसा आपका जो यहाँ पेन से चढ़ाया गया ये नहीं मिला? नहीं, नहीं, पिन वाला नहीं मिला। अच्छा। जो बाकी हमारे वजह से वही मिला, बाकी जो यहाँ चढ़ाए हुए पैसा नहीं मिला, वो कह रही पैसा मतलब पैसा हुआ नहीं है, हमसे पता निकलवा हम जो 20,000 रुपया निकलवा हमारी कॉपी चढ़ा है 20 निकलवाए हैं, बाकी 50,000 और बाद में 25,000। ये जो पैसा निकलवाया बताया गया है, ये क्या विड्रॉल फॉर्म आपने कोई भरा था? नहीं, कहीं भी नहीं, आप फॉर्म भरा फिंगर लगा के। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। हमारा भैया पैसा जो है एक, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या आप यहाँ ग्राहक से धोखाधड़ी हुआ, 7,000 रुपया हमारा गया। किसने धोखाधड़ी किया? यही ब्रांच मैनेजर जो है बैठते थे यहाँ पर, कई लोग बैठते थे ना, और पैसा हम आकर जमा करते थे, हम कहाँ पता था पैसा जो हमारे गायब हो जी, और जब सब लोग बतावे लगे हम करंट करवाए तो पैसा खाते ही नहीं, खाता पैसे नहीं। तो कितना पैसा है आपका जो धोखाधड़ी हुआ? 7,000 के 60,000 नहीं, 7,000। और क्या आप ही लोगों की समस्या है कि आपके आसपास? नहीं, बहुत सारे लोगों के रहे समस्या, मगर कोई डर के आगे आवत नहीं सामने। अच्छा, हाँ, सब डर रहे, नहीं आ रहे हैं, कहा थे पैसा जो है हम दे दिया भाई, बस चुप रहो, पुलिस का जो है किस तरह से यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है? पैसा मतलब ये ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है या बैंक मैनेजर द्वारा किया जा रहा? यहीं पर हम लोग आते थे, कहीं वहाँ जाते थे यहीं, आप हाँ बस यहीं से निकालना, यहीं पर जमा करना, बाहर कहीं जाते नहीं, हम करा पास में यहीं पर ले ले रहे हैं जमा कर लेते हैं, बैंक का नहीं देते रहे हम सारे 10,000 से कम कर दे। इस सूचना के बारे में आप लोगों ने बैंक को कोई जानकारी दिया? बैंक वाले का हम तो नहीं गिरा, हमको यहीं मिले, मगर जो है ये गई रहा नहीं गिरा, और सब लोग गए रहे जैसे वहाँ जाते प्रिंट हो जाते चले आओ। अच्छा, पासबुक प्रिंट आपने करवाया तो उसमें आपके खाते में पैसा चढ़ा था? नहीं, नहीं कुछ नहीं था, 101 रुपया खाली बचा बस। नाम है आपका? अच्छा, आपकी क्या समस्या है जो आप यहाँ पर आई हैं? यहाँ पर आए मतलब पहले 8,000 जमा करे थे, उसके बाद में 6,000 जो थे वो हमारी, उसके
बाद जब बैंक गए वहाँ तो वहाँ बोले कि प्रिंट करवा लो, वहाँ से जब प्रिंट करवा के लेकर आए तो केवल 10,000 पैसे थे और पहले जो जमा किए थे 10,000, बाद में लास्ट में जमा किए वो पैसे थे और 8,000 और जो पहले 6,000 जमा किए थे वो केवल पेन से चढ़े। और अच्छा, ये पेन से किसने चढ़ाया? यहीं के अकाउंट मैनेजर हुए। कौन है मैनेजर यहाँ के? शिव। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप लोगों ने पैसे के लिए इसमें कहा तो आपको पैसा नहीं दिया गया? यहाँ जब आए तो सब पैसे जो आते थे वे वो वापस चले जाते थे, पैसा बोल रहा नहीं है, आज आज लेना कल लेना, और रोज रोज सारा बता रहे, हर रोज दिन हम लोग रोज बार हर एक दिन जो पैसा आपने जमा किया था वो विड्रॉल से जमा किया था? पेट्रोल से नहीं, केवल पैसे नहीं लेते थे और फिंगर रखवाते थे, पैसे जमा कर देते। अच्छा, इसकी सूचना आप लोग ने बैंक को दिया है क्या? बैंक को दिया, जब वहाँ बैंक लेकर जाते बोलते 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 से नीचे यहाँ नहीं जमा होंगे, 10,000 तक होंगे तब वहाँ जमा होंगे, बाकी यहीं जमा होंगे।